बच्चों, मैं ज्योति एनडीएस विद्यापीठ से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 और 4 दोनों कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण अध्याय 13 विराम चिन्ह। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना या ठहरना। चिन्ह का अर्थ होता है निशान, रुकने का निशान या ठहरने का निशान। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। परिभाषा: लिखते समय विराम का संकेत देने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से लेते हैं। लिखते समय विराम का संकेत देने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं, लिखते समय विराम का संकेत, रुकने का संकेत जो निशान में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय विराम का संकेत देने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं? आइए देखते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह, विराम चिन्ह 10 होते हैं प्रमुख, एक एक करके देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम पहला क्या है? पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम। तीसरा है अर्ध विराम। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। छठवा है योजक चिन्ह। सातवां है निर्देशक या विवरण चिन्ह। आठवां है उद्धरण चिन्ह। नौवां है कोष्टक चिन्ह। दसवां है अपूर्ण विराम चिन्ह। एक एक करके इन चिन्हों के बारे में हम लोग जानेंगे। पूर्ण विराम चिन्ह क्या है? इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है। पूर्ण विराम का निशान ये होता है खड़ी पाई, ये वाक्य को पूरा होने पर लगाया जाता है। वाक्य को पूरा होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत, हमारा देश है। भारत हमारा देश है, यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हो रहा है। वाक्य पूरा होने में भारत हमारा देश है, यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हो रहा है, अतः यह क्या है? यह पूर्ण विराम। अब दूसरा देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का निशान यह होता है, अल्प विराम का निशान इस तरह से लगाते हैं। इसमें वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने या अधिक वस्तुओं के नामों के अलग करने के लिए इन विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने या वस्तुओं को अलग अलग करने, ना वस्तुओं के नामों को अलग अलग करने के लिए इस वाक्य विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीमा, पापा, जी के पास आओ, सीमा पापा जी के पास आओ। इसमें क्या है? ये अर्ध विराम का निशान है। इसमें नाम के पास थोड़ा रुकना है। सीमा पापा जी के पास आओ। दूसरा देखते हैं राम, बाजार से
अमरूद, केला ले आना है। राम बाजार से आम, अमरूद, केला ले आना है। तो यह वस्तुओं के नाम को अलग किया गया है। ये आम, अमरूद, केला, इन तीनों को ये अल्प विराम लगा करके अलग किया गया है। अब तीसरा देखते हैं, अर्ध विराम। तीसरा क्या है? अर्ध विराम। अर्ध विराम कहाँ लगाते हैं? जहां अल्प विराम, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक तथा विराम से कुछ कम ठहरना पड़ता है। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना होता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सवेरा हुआ, सवेरा हुआ, प्रकाश फैला, सवेरा हुआ प्रकाश फैला, किसान अपने काम में जुट गए। सवेरा हुआ प्रकाश फैला, किसान अपने काम में जुट गए। सवेरा हुआ प्रकाश फैला, किसान अपने काम में जुट गए। यह क्या लगा है? यह अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। जैसे थोड़ा अर्ध विराम में कुछ अधिक, अल्प विराम से कुछ अधिक, अल्प विराम से कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना पड़ता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, इसके अंत में इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई प्रश्न पूछना होता है तो इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आपका क्या नाम है? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। आप कहाँ रहते हैं? आपका क्या नाम है? आप कहाँ रहते हैं? आपका क्या नाम है? इस वाक्य में जब कहीं प्रश्न पूछा जाता है, इसके अंत में विराम चिन्ह को लगाते हैं। इसके अंत में विराम चिन्ह को लगाते हैं। जैसे कहाँ, कहाँ और क्या, ये दोनों क्या है? ये प्रश्न सूचक चिन्ह का वो एक निशान की तरह है। जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किसे बुला रहे हैं, इसमें क्या लगता है? अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। अब छठवां देखते हैं संयोजक चिन्ह। योजक चिन्ह छठवां क्या है? योजक चिन्ह दो शब्दों या आपसी संबंध दर्शाने के लिए, दो शब्दों या आपसी शब्द दर्शाने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
माता, पिता, माता, पिता, आज्ञा का, आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसमें ये क्या है? योजक चिन्ह है। इसमें क्या है? ये योजक चिन्ह है। अब माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भाई बहन साथ खेलते हैं, साथ खेलते हैं। इसमें ये क्या है? ये है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को दर्शाने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं विस्मयान बोधक चिन्ह। विस्मयान बोधक चिन्ह, विस्मयान बोधक जिन शब्दों या वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मन के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें उनके अंत में इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे, अरे राम, यह क्या कर दिया? कर दिया। अरे राम, यह क्या कर दिया? इसमें यह क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का निशान। अरे राम, तूने यह क्या कर, अरे राम, यह क्या कर दिया? यह क्या है? यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है। जैसे शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मन के भाव को प्रकट करने के लिए प्रकट होते हैं, इसके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं निदेशक या विवरण चिन्ह। निदेशक या विवरण चिन्ह निर्देश देने अथवा निर्देश को देने या देने अथवा अपनी बात को अस्पष्ट करने के लिए, निर्देश को देने के लिए अपनी बात को अस्पष्ट करने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। किसी कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए,
किसी कथन को तुरंत का तुरंत ही प्रस्तुत करने के लिए ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा वीरो लंका को जीत कर ही छोड़ना। श्री राम ने कहा लंका को जीतकर श्री राम ने कहा वीरो लंका को जीतकर श्री राम ने कहा वीरो लंका को जीतकर ही लंका को जीतकर ही छोड़ना है। देखते हैं श्री राम ने कहा वीरो लंका को जीत कर ही छोड़ना है, इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का ये किसका निशान है? ये उद्धरण चिन्ह का निशान है। और देखते हैं जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा, जैसे श्री राम ने कहा ऐसे ही लोकमान्य तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें भी क्या होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब नवा है कोष्ठक चिन्ह। नवा कौन सा है? कोष्ठक चिन्ह। किसी शब्द या पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द या पद का अर्थ को किसी शब्द या पद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चिन्हों का प्रयोग लिखते समय उसका प्रयोग करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।